रानी 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 रानी, जी हाँ, बिजली रानी, बिजली रानी आज IMA हॉल से चली गई है। सही सुना आपने, आज IMA हॉल से बिजली गई है, कल इस हॉल में लटक सकता है ताला। तो अगर आप यहाँ पर शादी या किसी भी कार्यक्रम के लिए बुकिंग किए हैं या करवा सकते हैं, तो आप सभी एक बार जरूर हो जाए सावधान। धरती पर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन भगवानों को बैठने के लिए, एक साथ बैठने के लिए BSL ने एक जगह दिया और उस जगह का नाम रखा IMA बिल्डिंग, जिस जगह पे बोकारो शहर के तमाम डॉक्टर एक साथ जुटकर मीटिंग किया करते थे। लेकिन थोड़ी दिन के बाद इसे व्यवसायीकरण कर दिया गया और उसके बाद जब कल अखबारों में ये सुर्खियां छपने की बारी आई और जैसे ही सुबह हुई और अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर आती है कि बोकारो शहर के 6 बड़े स्थलों की बिजली काट दी गई है, जिसमें एक ये भी बिल्डिंग है, उसके बाद खलबली मच गई। शर्मा जी, जिन डॉक्टरों के दरवाजे पे गलती से आप चले जाएं तो बिना पैसा लिए वो इलाज तक नहीं करते, जब उन्हें भुगतान करने की बारी आती है तो 6-6 साल तक लापता हो जाते हैं। छोने हिमांशु जी, 9 साल की बात है ये, 9 साल से इस IMA हॉल की लीज का जो पैसा है BSL को देना है 1,04,00,000 रुपये इनकी तरफ से, वो आज तक नहीं दिया, जिसके बाद BSL ने इन्हें फाइनल नोटिस दिया और फाइनल नोटिस में इन्हें साफ साफ ताकीद कर दिया कि आप रेनुअल करा ले, जो आपके पैसे हैं वो जमा कर दें। वो भी जब नहीं हुआ तब अंत में इसकी बिजली काटने की जो प्रोसेस है उसको सामने लाया गया और IMA हॉल का उसके बाद बिजली काटा गया। हिमांशु जी, 9 साल तक इंतजार किया बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा भवन ने। अच्छा, मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि BSL ने अपना लीज का रकम इतना बढ़ा दिया है कि देने में कठिनाई हो रही है। जब उनसे मैंने सवाल किया कि साहब, कभी आपने पूछा है मरीजों से कि आपकी फीस कितनी होनी चाहिए? आप भी तो अपनी फीस जब बढ़ा दिया करते हैं तो किसी को पूछते नहीं हैं। तो BSL की ये प्रॉपर्टी है, BSL ने अगर इसका दाम बढ़ा दिया है तो ये सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल, समय के साथ सभी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी होती है। आप डॉक्टर साहब की फीस जो पहले थी, जो पढ़ाई करते थे, अभी वो फीस नहीं है, कॉलेज की ज़्यादा है। डॉक्टर साहब जो पेमेंट लेते हैं वो भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है हिमांशु जी, और जो मरीजों की फीस वो प्राइवेट में लेते हैं उसकी तो आप मतलब सोच ही नहीं सकते, ऐसी ऐसी डॉक्टरों की फीस है। लेकिन अगर BSL अपनी प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी सी भी रकम बढ़ा ले, राशि बढ़ा ले, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। और इन्होंने कहा कि इतनी रकम बढ़ा दी जिसकी वजह से हम देने में अब असमर्थ हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये ड्यूज 9 साल पुराना है, शुरुआत के दौर से ही अगर दिया जाता ये रकम, तो इतनी बड़ी रकम नहीं बनती IMA के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोकारो के लिए। तो IMA के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जब उनसे हम लोगों ने टेलीफोन कर बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिमांशु जी, हमारा कोई भी लेना देना इस जगह से नहीं है क्योंकि हम चास के अध्यक्ष हैं। लेकिन बोकारो के जो अध्यक्ष हैं उनके रहमो करम पे ही हमें कभी कभी यहाँ बैठने मिला करता है। लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास यही है कि जब BSL ने यह ज़मीन जब उपलब्ध कराया था तो उसके तमाम डेवलप के काम यहाँ के एक प्रतिष्ठित टेंट हाउस के मालिक ने किया था। शर्मा जी, और क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी से अभी हम लोग को IMA को ऐसे कोई लेना देना नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे प्रॉपर्टी की देखभाल जो जग्गी जी है वो करते हैं और उन्होंने ही इसे डेवलप करने का काम किया है, इसलिए इसकी पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी जग्गी साहब की है और उन्हें ही निपटना होगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत तो IMA को ही BSL के समक्ष आना होगा हिमांशु। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग से जो भी रकम आती है, अनुमान कहा जाता है कि लाखों में बुकिंग होती है पर डे इसकी, तो कहा जा रहा है कि लाखों रुपया की बुकिंग होती है पर डे, और जो भी पैसा इससे इनकम होता है उन्होंने बताया कि वही रखते हैं, ना कि हम लोगों को कुछ मिलता है। नहीं, बिल्कुल, ये उन्होंने कहा, हम लोग से बातचीत हुई तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो रकम जिनको हम लोग डेवलप करने की जिम्मेदारी दी है जग्गी जी को, वही रखते हैं। लेकिन
ये अब उनके बीच क्या समझौता है, कैसे कुछ उन्होंने काम कर रहे हैं और कैसे इस बिल्डिंग को उन्होंने उनको दिया है। लेकिन बीएसएल और आईएमए की डायरेक्ट लीजिंग की व्यवस्था तो बीएसएल और आईएमए की है। ऐसे में आईएमए से ही सवाल पूछेगी बीएसएल, ना कि आप किसी थर्ड पार्टी को दिए हैं उससे पूछेंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जी जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को कि और किन किन बिल्डिंगों की बिजली कटी है। देखिए, जस्ट इसके पीछे में आप देखेंगे समागम बिल्डिंग है, उनकी भी बिजली काट दी गई है, उनका भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बकाया है। फिर आप देखेंगे कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो सेक्टर 4 की प्रतिष्ठित जगह है, मैंने बीच हार्ट ऑफ सिटी आप कहेंगे, उनकी भी जो लीजिंग की प्रक्रिया थी उनके भी 1 करोड़ से ऊपर की देनदारी है, तो उनका बंद कर दिया गया है। इस तरह के लगभग 6 प्रतिष्ठान बड़े बड़े हैं जिनको बीएसएल ने कल, आप समझिए कि कुछ दिनों से बीएसएल जिस प्रकार से, जब से यहाँ से जो सीईओ थे अमरेंदु प्रकाश, जब बोकारो छोड़कर बन गए सेल के अध्यक्ष, उसके बाद से उनका ध्यान बोकारो को सुरक्षित करने या संवारने की जो उनकी तैयारी जो वो बोल के गए थे, वो अब कहीं ना कहीं तैयारी दिख रही, जिसमें आपने देखा कि पूर्व में भी एक अधिकारी पे गाज गिरी जो इतिहास में था, उसके बाद किस प्रकार से बिजली काटी जा रही है, और यह जो किया गया है कि जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उन सभी लोगों की बिजली काट दी गई है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि लगभग 100 से ऊपर ऐसे लिस्ट तैयार हैं बीएसएल के पास जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी है, लगभग सबको फाइनल नोटिस दे दिया गया है, उसके बाद अब बिजली काटी गई है। आगे की प्रक्रिया जो है बीएसएल प्रबंधन ने दिया है, कभी जो जो समिति चल रही है, अगर आप बैठ के बात नहीं करते हैं, जो उनका फॉर्मेट है अगर उस पर आप नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि इस पर परमानेंट ताला लगे। इस शर्मा जी, एक बड़ा प्रश्न उठता है, बोकारो शहर में यही एक ऐसा प्लॉट नहीं है जहाँ पर करने के लिए कुछ दिया गया था, हो कुछ रहा है? ऐसे कई प्लॉट हैं जहां पर मतलब उनका ट्रेड कुछ था, किया कुछ और जा रहा है। जिनसे भी मिलने जाइए वो यही सवाल पूछते हैं कि केवल हमारा ही संस्था आपको दिखता है, बोकारो शहर में सेक्टर 4 में और दुकानें नहीं दिखती, उन्हें भी तो दूसरा ट्रेड दिया था। मतलब अपने बचाव के लिए तरह तरह के ये लोग अपने बातें रखने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन सच यही है कि आपको जिस काम के लिए प्लॉट दिया गया था, आज लगभग 90% ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे प्लॉट हैं जहां पर वो व्यवसाय नहीं होता है, कुछ दूसरा व्यवसाय हो रहा है, और जिसको बीएसएल की तरफ से इन्होंने एनओसी भी नहीं लिया हुआ है। हिमांशु जी, एनओसी लिए होते तो इस पर साफ साफ उन्हें पता चलता कि बीएसएल ने इस चीज़ के लिए दिया है, लेकिन ये आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैठक के लिए, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए ही इस बिल्डिंग को लीज पर दिया गया है, यही सच्चाई है। इसके अलावा हमने कई सारे बड़े प्लॉट को दिखाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को दिखाया है। जी, सवाल तो खड़ा होता है ना कि शहर का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जिसे डॉक्टर कहा जाता है, वो गलत तरीके से इस जगह पे हॉल बनाता है, लाखों रुपया पर डे कमाता है, लेकिन जब बीएसएल के भुगतान करने की बारी आती है तो चुपचाप निकल जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल तो सभी के लिए है, और बड़ी बात है कि इन सवाल से किसी को मुकरना भी नहीं चाहिए, इसका फेस, इसको आपको कहते हैं कि सामना करने की ज़रूरत है। डॉक्टर हैं आप, सबसे बड़े मतलब मजबूत कलेजे वाले लोग होते हैं, कहा जाता है कि आप बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरी बहुत इजी वे में करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत छोटी सी सर्जरी है। आप चाहे तो सबके सामने इसको फेस करके आप मिसाल पेश करते हैं, बोकारो ज़िले के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामने आकर उसका सामना किया, और बोकारो ज़िले और बीएसएल के सामने अपना पक्ष रख कर लोगों को मिसाल पेश करने की कोशिश भी की है। आपको नहीं लगता लक्ष्मी जी कि इस बार बीएसएल ने इन डॉक्टरों की सर्जरी कर दी है? देखिए, इस संदर्भ में नहीं लिया जा सकता है। आईएमए के साथ साथ तमाम जो बिल्डिंग है, 6 बिल्डिंग है, सभी लोगों, बीएसएल अपना काम कर रही है, इसको हम लोग पर्सनल ना लें, क्योंकि तमाम जो है उनको नोटिस देकर उनका भी बिजली काट दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं सरकारी उपक्रम भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी है, और भी ऐसे 100 से बड़े जो सूचना है, अभी तो नाम खुलना बाकी है, नाम सुनने के बाद और भी बोकारो शहर में खलबली मचने वाली है कि ऐसे उपक्रम जो कि सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, प्राइवेट रूप से चल रहे हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग को लिया था किस लिए, उसके बाद इस्तेमाल क्या किया, और उसके आज बकाया रखने के बाद आज जब बीएसएल ने नोटिस दिया है बंद करने को कहा है, तो कहीं ना कहीं हड़कंप तो मचेगा ही। मंजूर,
तो सुना ना आपने, नाम बड़े दर्शन छोटे, यही है बोकारो स्टील सिटी की सच्चाई जो लगातार हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। कि बीएसएल ने जैसे ही अपने पुराने फाइलों से धूल हटाने का प्रयास शुरू किया है, उसके बाद बड़े बड़े लोगों का चेहरा उजागर होने लगा है। इस समय जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, अगर आपने दिसंबर महीने में अपनी बेटी की शादी के लिए इस हॉल को बुक किया है तो सावधान हो जाए, बीएसएल कहीं इस पे ताला भी लगा सकता है। बीएसएल का रुख जितना गर्म है, आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन भोला के साथ जीपी मान।